Hello guys, this is Prachi and welcome back to Prachi Foundation Online Classes. आज हमारा फिक्शन का थर्ड यूनिट स्टार्ट है और वो चैप्टर है हमारा द लेटर एंड रिटन बाय मिस्टर धूमकेतु. ठीक है, तो इनके बारे में हम धूमकेतु के बारे में मैं लास्ट में जब चैप्टर के समरी बताऊंगी तो उसके उसी पीरियड के दौरान मैं आपको इनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दूंगी. तो सबसे पहले आते हैं हम इसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओ. ठीक है, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से. इन द ग्रे स्काई द अर्ली डाउन स्टार्स स्टिल ग्लोड एज हैप्पी मेमोरीज लाइट अप अ लाइफ दैट इज नियरिंग इट्स क्लोज. तो सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, और उस समय जो आसमान लग रहा है कुछ ग्रे कलर का या स्लेटी रंग का लग रहा है और उसमें जो तारे हैं अब भी चमक रहे हैं और प्रसन्नता भरी यादें ऐसे जीवन को रोशन कर देती है जो कि अपनी समाप्ति के नज़दीक पहुंच रहा हो. मतलब यह है कि अब जो है वो जो मॉर्निंग टाइम है, अर्ली मॉर्निंग टाइम है जिसमें थोड़ा अंधेरा भी है, थोड़ा उजाला भी है, अब वो ख़त्म हो रहा है और धीरे धीरे सन उसकी जगह ले लेगा और चारों तरफ जो है वो उजाला और धूप आ जाएगा. एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग थ्रू द टाउन नाउ एंड अगेन drawing his tattered clothes tighter to shield his body from the cold and biting wind. ठीक है, तो एक बूढ़ा आदमी नगर में से चला जा रहा था और कभी कभी अपने फटे पुराने, tattered होता है फटे पुराने कपड़ों को वो कसकर खींच लेता था ताकि अपने शरीर को ठंडी और चुभने वाली हवा से बचा सके. From some house came the sound of grinding mills and the sweet voices of women singing at their work and the sounds helped him along his lonely way. ठीक है, तो कुछ घरों में से बोलते आटा पीसने वाली चक्कियों की आवाज़ आ रही थी और औरतें जो है कुछ मीठी मीठी आवाज़ें जो काम के दौरान हम जैसे गुनगुनाते हैं उसकी आवाज़ आ रही थी. तो ये जो आवाज़ें थी उसको अकेले रास्ते में, सुनसान रास्ते में आगे चलने में मदद कर रही थी. एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल बार्क ऑफ अ डॉग द डिस्टेंस स्टेप ऑफ अ वर्कमैन गोइंग अर्ली टू वर्क और द स्क्रीच ऑफ अ बर्ड डिस्टर्ब्ड बिफोर इट्स टाइम द होल टाउन वॉज रैप्ड इन डेथली साइलेंट. ठीक है, तो किसी कुत्ते की आवाज़, भौंकने की आवाज़ भी कभी कभी आ रही थी और सब लोग जो है सुबह सुबह अपने काम पर जा रहे थे. जो कामकाजी औरत थे उनके पैरों की जो आवाज़ है वो दूर से ही आ रही है या किसी के जागने से पहले होता है ना, जो नींद हमारी भंग हो जाती है या फिर हम गहरी नींद में सोए और किसी के आवाज़ आती है तो हमारी नींद खुल जाती है. तो इस तरह की जो आवाज़ थी किसी पक्षी की तीखी आवाज़ के अतिरिक्त जो था वो पूरा जो नगर था बोलते एक डेथ जैसी खामोशी, मतलब एक डेथली साइलेंस, मतलब एक चुपचाप खामोशी में लिपटा हुआ था. कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ बर्ड्स की साउंड सुनाई दे रही थी. सो मोस्ट ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स वर स्टिल इन द आर्म्स ऑफ स्लीप द स्लीप विच ग्रू मोर एंड मोर प्रोफाउंड एन अकाउंट ऑफ द इंटेंस विंटर कोल्ड फॉर द कोल्ड यू स्लीप टू एक्सटेंड इट्स स्वे ओवर ऑल थिंग्स इवन एज अ फॉल्स फ्रेंड लुल्स हिज चूजन विक्टिम विद केयरिंग स्माइल. और इसके अलावा अगर बाकी लोगों की बात करें तो अब वो अभी लोग वो लोग अभी बोलते नींद में सोए हुए थे और ठंड के टाइम में जो होता है वो नींद हमारी और गहरी हो जाती है, हमें थोड़ा और देर सोने का मन करता है क्योंकि ठंड में क्या होता है कि चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं होती है और रजाई के अंदर हम जब रहते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और सो ले. तो ऐसा ही एक जैसा एक झूठा मित्र अपने चुने हुए शिकार को बोलते पहले प्यार दुलार करके अपनी हंसी और मुस्कुराहटों से शांत कर देता है. ठीक है, क्योंकि नींद हमारे लिए कोई ट्रू फ्रेंड नहीं. हमारा नींद एक पर्टिकुलर टाइम तक हो तो ठीक है, लेकिन अगर हम ज़्यादा सो ही रहें तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है. द ओल्ड मैन शिवरिंग एट टाइम बट फिक्स्ड ऑफ पर्पस प्लॉडेड ऑन टिल ही
came out of the town gate on to a straight road. तो वो जो बूढ़ा आदमी है कभी कभी कांपने लगता है, लेकिन उसने एक पक्का उद्देश्य बना के रखा है कि थकेगा वो भले ही, लेकिन वो चलता जाएगा. और चलते चलते वो अंत में एक वो जो नगर द्वार था, टाउन का गेट था, उसकी सीधी सड़क पर पहुंच गया. अलोंग दिस ही नाउ वेंट एट अ समवॉट स्लोअर पेस, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज ओल्ड स्टाफ. अब वो थोड़ी थोड़ी थकने लगा था, तो बोलते थोड़ी उसकी जो चाल होगी वो धीरे धीरे हो गई, और अब वो अपने आप को अपने पास जो उसकी पुरानी छड़ी थी उसका सहारा देते हुए आगे बढ़ने लगा. On one side of the road was a row of trees. On the other side of town's public garden. तो अगर हम बोलते सड़क के एक तरफ की बात करें तो एक किनारे जो था वो पेड़ लाइन से लगे हुए थे, और अगर दूसरे किनारे की बात करें तो वो एक टाउन का पब्लिक गार्डन था, मतलब सार्वजनिक बाग था, सब उसमें आ सकते थे. तो द स्काई वॉज डार्कर नाउ एंड द कोल्ड मोर इंटेंस, फॉर द विंड वॉज ब्लोइंग स्ट्रेट अलोंग द रोड ऑन विच देयर फेल लाइक फ्रोजन स्नो ओनली द फेंट लाइट ऑफ द मॉर्निंग स्टार. अब बोलते जो आकाश है पहले से भी ज़्यादा काला हो गया था, और ठंड जो है वो बहुत तेज़ हो गई थी, और तेज़ हवाओं के कारण से और तेज़ हवाएं जो थी वो सड़क के बिल्कुल सीधी चल रही थी, जिसमें ये जो इवनिंग स्टार है या जिसको बोलते हम कौन सा स्टार बोलते हैं हम इसको, मॉर्निंग स्टार सॉरी, शुक्र तारे की जो रोशनी थी वो भी एकदम बर्फ की तरह जो है वो पड़ रही थी. एट द एंड ऑफ द गार्डन स्टूड अ हैंडसम बिल्डिंग ऑफ द न्यूएस्ट स्टाइल एंड द लाइट ग्लीम्ड थ्रू द क्रेविसेस ऑफ इट्स क्लोज डोर्स एंड विंडोज. और अगर हम उस गार्डन के आखिर लास्ट एक पार्ट की बात करें तो उसके किनारे पे एक बहुत ही सुंदर इमारत थी, बिल्डिंग थी, और जिसकी बंद दरवाज़ों और खिड़कियों की दरारों में से जो बीच में दरारें होती है उसमें रोशनी जो है वो चमक रही थी. बिहोल्डिंग द वुडन आर्क ऑफ दिस बिल्डिंग द ओल्ड मैन वॉज फिल्ड विद जॉय दैट द पिलग्रिम फील्स व्हेन ही फर्स्ट सीज द गोल ऑफ हिज जर्नी. तो उस बिल्डिंग की जो लकड़ियाँ की तरफ या उस बिल्डिंग को देखते हुए वो जो आदमी है, वो बूढ़ा आदमी है, ऐसे खुशी से भर गया है जैसे जब कोई तीर्थ यात्री जब अपना तीर्थ यात्रा के लिए जाता है और जहाँ पर उसको जाना होता है उसकी वो पहली झलक देखता है अपने लक्ष्य की, तो जिस तरह से वो खुश होता है उसी तरह से वो ओल्ड मैन भी जो है वो बहुत खुश हो रहा था. तो ऑन द आर्क हंग ऑन ओल्ड बोर्ड विद द न्यूली पेंटेड लेटर पोस्ट ऑफिस. तो उस एक पट्टी, लकड़ी की एक पट्टी बनी थी जिसके ऊपर एक तख्ता लटका हुआ था जिसके ऊपर एक नए रंग में पोस्ट ऑफिस करके लिखा हुआ था. द ओल्ड मैन वेंट इन क्वाइटली एंड स्क्वैटेड ऑन द वरांडा. बूढ़ा आदमी जो है चुपचाप अंदर चला गया और बरामदे में पालथी मारकर बैठ गया. द वॉइसेस ऑफ टू और थ्री पीपल बिजी विद देयर रूटीन वर्क कुड बी फेंटली हर्ड through the wall. तो दो या तीन लोगों की आवाज़ें जो अपने हर रोज के कामों में व्यस्त थे, दीवार में से उनकी जो आवाज़ें थी वो हल्की हल्की जो है वो सुनाई दे रही थी. पुलिस सुपरिटेंडेंट अ वॉइस कॉल्ड शार्पली. पुलिस अधीक्षक एक आवाज़ ने तीखे कुछ जोर से कहा, और बूढ़ा आदमी जो है वो इस आवाज़ को सुनकर चौंक उठा. द ओल्ड मैन स्टार्टेड एट द साउंड बट कंपोज हिमसेल्फ अगेन एंड टू वेट. तो किंतु फिर से वो प्रतीक्षा करने के लिए शांत हो गया, थोड़ा सा वो मतलब चौंक तो गया था लेकिन फिर से वो वेट करने के लिए बैठ गया. बट फॉर द फेथ एंड लव दैट वॉर्म्ड हिम ही कुड नॉट हैव बोर्न इन द बिटर कोल्ड. तो यदि उसका एक विश्वास ना होता, अगर उसका प्यार ना होता तो क्या होता, इस कड़ी सर्दी को सहन भी नहीं कर सकता था. तो ये उसका प्यार और विश्वास ही था जो उसे इतनी सर्दी में भी एक गर्मी का एहसास दे रही थी. नेम आफ्टर नेम रैंग आउट फ्रॉम विद इन एज द क्लर्क रीड आउट द इंग्लिश एड्रेसेस इन द लेटर्स एंड फ्लंग देम
टू द वेटिंग पोस्टमैन, अंदर से बोलते एक एक करके पोस्ट ऑफिस के अंदर से एक एक करके नामों की आवाज़ें आती जा रही थी, और जो क्लर्क था वो पत्रों पर जो अंग्रेज़ी में लिखे हुए एड्रेस थे उनको पढ़ते जा रहा था, और जो डाकिये उनके पास पोस्टमैन जो खड़े थे उनकी साइड वो फेंकते जा रहा था। ठीक है, तो फ्रॉम लॉन्ग प्रैक्टिसेस ही हैड एक्वायर्ड ग्रेट स्पीड एट रीडिंग आउट द टाइटल्स, कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, दीवान साहब, लाइब्रेरियन एंड इन फ्लिंगिंग द लेटर्स आउट। तो वो जो उस आदमी की जो प्रैक्टिस थी नामों को पढ़ने की वो बहुत लंबे समय से थी, जिस कारण वो जो नाम थे वो बड़ी तेज़ी से पढ़ रहा था, और उसकी इतनी फुर्ती थी जैसे कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, दीवान साहिब, लाइब्रेरियन, ऐसे पत्रों को जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, और एक साइड से वो पोस्टमैन की तरफ वो उन पत्रों को फेंक रहा था। तो ये था बच्चों मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट के साथ मैं आपको बहुत जल्दी ही मिलूंगी, और ढूंढने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैंने सारे जो चैप्टर्स हैं वो एक ही प्लेलिस्ट में डाले हैं, और वो है द टू मैन ऑफ वेरोना में, तो उसमें आपको वो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना भी मिल जाएगा, पैक्लेटाइट्स वाला चैप्टर भी मिल जाएगा, और ये वाला चैप्टर भी उसी के साथ मैं लिंक कर दूंगी। तो अगर बच्चों आपको ये समझ में आया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, एंड तब तक के लिए थैंक यू।